पाकिस्तान में सरकारी शोबे में पहली बार इंडोवेस्कुलर एनियोरिज्म रिपेयर प्रोसीजर के जरिए मरीजों की जिंदगियां बचाने का अमल शुरू कर दिया गया। माहरीन के मुताबिक दिल से निकलने वाली दो शरियाने फूल कर गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिनके फटने के नतीजे में इंसान की मौत वाकई हो जाती है। अब सरकारी सतह पर बगैर सीना चीरे शरियान को पंक्चर करके स्टंट डाला जाता है और शरियान को असली हालत में बहाल किया जाता है। पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर का हमारा पहला प्रोसीजर, इस टेक्निक के थ्रू आप पेशेंट को उन कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू से बचा लेते हैं। तकरीबन 20 लाख के थ्रू के करीब है इसकी कॉस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रामा सेंटर में ये वी हैव डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर इरफान लुत्फी ने बताया कि 55 साला गरीब बावर्ची नूर जबान की ऑपरेशन किए बगैर जान बचाई गई। पहले ज़माने में 10 साल 8 साल पहले ये सर्जरी होती थी इसकी, और इस सर्जरी में 4 से 6 घंटे लगते थे, और उस 4 से 6 घंटे में उसके बाद कॉम्प्लिकेशन और पेशेंट का स्टे तकरीबन 8 से 10 दिन था। अब ये पिछले 2-3 साल से दुनिया भर में इंटरवेंशन के जरिए इसको रिपेयर किया जाता है। डॉक्टर फहद तारिक के मुताबिक इससे कबल सरकारी सतह पर पहली बार इंडोवेस्कुलर एरोटिक एनियोरिज्म रिपेयर प्रोसीजर भी शुरू किया है। टीवर प्रोसीजर तुर्क माहिरीन की मुआवनत से किया गया। कैमरामैन राहिब अली के साथ हामिदुर रहमान, दुनिया न्यूज़ कराची।